हम लोग आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चिकन ग्रिल सैंडविच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिए हैं जो सैंडविच के लिए यूज होते हैं बड़े बड़े। तो हम इसमें सबसे पहले मिंट चटनी लगा लेंगे। चटनी हमने यहाँ पे लगा ली है और एक ब्रेड पे हम लगाएंगे यहाँ पर हमारा पीनट बटर। यहाँ पे मैंने ये पीनट बटर लिया है। यहाँ पे मैंने एक में मिंट चटनी लगा ली है और पीनट बटर लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर बॉइल पोटैटो स्लाइस रख दूंगी। अच्छे से बहुत ही पतले पतले हम लोग इसकी लेयर्स काटेंगे ताकि अच्छे से इसमें लग जाए। और साथ में हम रखेंगे खीरा। अब ये चिकन सैंडविच है तो चिकन तो बनता ही है। थोड़ा सा हम इसमें पहले सॉल्ट लगाएंगे और काली मिर्ची लगाएंगे। सैंडविच रेडी हो गया है। आप इसमें टमाटर भी रख सकते हैं। हम लोग टमाटर नहीं खाते इसलिए मैंने नहीं रखा। इफ यू वांट यू आप रख सकते हो। अब हम इसे ग्रिल कर लेंगे। चलिए यहाँ पे मैंने सैंडविच रेडी कर लिए हैं और यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन रख दिया है फ्लेम पर और मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा मेल्टेड बटर डाल दूंगी और सैंडविच को बहुत ध्यान से आराम से उठाकर फ्लेम पर रख दूंगी और इसको हाथों की हेल्प से दबाऊंगी। हमारा नीचे से जो सैंडविच है वो अच्छे से ग्रिल हो गया है। हमारा ग्रिल सैंडविच रेडी है। चलिए मैं अब इस आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। हमारे चिकन ग्रिल सैंडविच रेडी हैं। बहुत इजी बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपको चिकन सलामी अवेलेबल नहीं होती है तो कोई नहीं, आप चिकन को बॉईल करके श्रेड करके भी लगा सकते हैं। इसमें बहुत टेस्टी लगता है। इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह जल्दी न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।